अभी तक न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम आपकी बात कराने जा रहे हैं शहर के जाने माने सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सीपी सिंह से। जानते हैं बदलते हुए मौसम में कैसे बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है, साथ ही ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, ऐसे में कैसे अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखें, आइए जानते हैं डॉक्टर सीपी सिंह। शहर के वरिष्ठ फिजिशियन हैं। आजकल मौसम बदल रहा है, गर्मी पड़ने वाली है, उसको लेकर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या सावधानियां बरतें हैं, किस प्रकार अपनी दिनचर्या रखें। देखिए, जैसे ही गर्मी बढ़ती है शरीर में एक तो पानी की डिमांड बढ़ जाती है, दूसरा कई ऐसी बीमारियां हैं जो नए सिरे से आ जाती हैं जो खास तौर से गर्मी के सीजन में होती हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया या वायरस के ग्रोथ का टेम्परेचर होता है वो इस समय उनके हिसाब से, बीमारी को फैलने के हिसाब से अच्छा होता है। जो मेन रूप से इस सीज़न में बीमारी होती हैं, एक तो मलेरिया, डेंगू, ऊटी दस्त, जॉन्डिस, या फिर जैसे अभी गेहूं का थ्रेसिंग चल रही है, निकासी चल रही है, उसकी वजह से जो धूल उड़ती है, जो बारीक धूल हवा में तैरती रहती है, उसकी वजह से जो सांस के मरीज़ हैं उनकी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, इस हद तक बढ़ जाती हैं कई बार उन्हें भर्ती भी होना पड़ जाता है। तो ये कुछ इस सीजन से संबंधित बीमारियां हैं। अब इनसे बचें कैसे, सबसे अहम सवाल ये है। अब आप मलेरिया डेंगू को ही ले लीजिए, तो ये मच्छर जनित बीमारी है। जब तक मच्छर नहीं काटेगा ये दोनों बीमारियां नहीं होंगी। तो हमें सबसे जो बड़ा बचाव का उपाय करना है वो मच्छर से बचने का करना है। जैसे डेंगू का मच्छर है वो शाम के समय काटता है, यानी दिन में काटता है एक तरह से, 3 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे के बीच में। अगर हम टहलने जाते हैं शाम के समय तो एक तो पूरी स्लीप के कपड़े पहन के जाएं, जूते मोजे पहन के जाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा के जाएं ताकि मच्छर ना काटे। मलेरिया का मच्छर रात में काटता है, तो हम मच्छरदानी लगा के सोएं या कोई मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड लगा के सोएं या क्रीम लगा के सोएं, सबसे अच्छा उपाय होता है मच्छरदानी। अगर हम चीज़ों से बचाव रखेंगे, मच्छर से बचाव रखेंगे, इन दोनों बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तो सब इन दिनों में ज्यादातर जो हृदय रोग से पीड़ित लोग होते हैं और ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं बीमारियों से, उनके साथ ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगते हैं, समस्याएं आने लगती हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि सीजन में क्या सावधानी बरतें और कितने समय अंतराल पर अपना रूटीन चेकअप करते हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेशन उन्हीं लोगों में बढ़ते हैं, बीपी वालों में, जो पानी समय पर नहीं ले पाते हैं, जिनमें पानी की कमी हो जाती है। अदरवाइज गर्मी के सीजन में बीपी की जो डोज है दवाइयों की वो भी कम हो जाती है। तो सावधानी ये रखनी है उनको कि खूब सारा लिक्विड लें, भले पानी पिए, नारियल का पानी पिए, मट्ठा पिए, चाय कॉफ़ी लें, शरबत लें, जो भी लिक्विड ले सकते हैं तो वो लिक्विड लेते रहें समय समय पर। बाहर का ना खाएं, घर की पकी हुई चीज़ें खाएं, कटे फटे फल बिल्कुल ना खाएं, ये सावधानी रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में ही ज़्यादातर ये देखा जाता है जैसे कि डायरिया हो गया या कुछ हमने बाहर से खा लिया तो पेट में इन्फेक्शन होता है, मरोड़ होती है, दर्द होती है और उसके बाद में डिहाइड्रेशन होता है, वो समस्या बड़े स्तर पर भी चली जाती है, तो इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए शुरू में? देखिए, ये जो जैसे आपने डायरिया बताया या पेट का दर्द बताया, ये सब खाने पीने की चीज़ों से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, या तो पानी से होंगी या दूषित खाने से होंगे, दो ही तरीके से फैलती है। तो यदि हम पानी का इस्तेमाल बाहर जाके करते हैं तो ये ध्यान रखें कि स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, बोतल का पानी पिए या कहीं आरओ लगाए तो आरओ का पानी पिए, तो आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वह खाने का ध्यान रखें, जो भी खाना है गर्म गर्म खाएं, रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं, भोजन की क्वालिटी को एक बार देख लें, अच्छी क्वालिटी का भोजन है नहीं है, यदि अच्छी क्वालिटी का नहीं तो पेट में आपके मरोड़ हो सकती है, क्योंकि कई बार
मिलावटी तेल इस्तेमाल होता है खाने में और वो समस्याएं पैदा करता है। कई बार मिलावटी मसाले होते हैं वो समस्याएं पैदा करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब एक चीज़ देखी जाती है, ज़्यादातर कुछ लोग तो आलस्यवश नहीं जा पाते या कुछ इस तरीके की टेंडेंसी बना लेते हैं कि हमने एक बार पर्चा बना लिया, दवाई लिखवा लिया, चाहे वो हृदय रोग से संबंधित हो या ब्लड प्रेशर से संबंधित हो, ये तो बदलेगी नहीं, डॉक्टर साहब अगली बार भी ये लिख देंगे दोबारा, तो हम पर्चा नहीं बनवाते, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो एक बार पर्चा बनने के बाद में वो दवाई आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कितने दिन बाद उसको चेंज कराना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं फीस के लालच में। कई बार तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो आप एक साल भी खा सकते हैं, वो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि भाई ये दवाइयाँ आप जारी रखें, इनको ना छोड़ें और खाते रहें। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक आध हफ्ते के लिए होती हैं, जिनको हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद बंद करना होता है। यदि आप उनको लगातार खाते रहेंगे तो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती हैं। डॉक्टर वो आपको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि आपको कौन सी दवाई कितनी खानी है और कितने दिन बाद आकर मिलना है। आपको 10 दिन में मिलना है, आपको 1 हफ्ते में मिलना है, आपको 1 महीने में मिलना है या 6 महीने में मिलना है, तो डॉक्टर जैसे बताए उसको फॉलो करना चाहिए। आज हमने डॉक्टर सीपी सिंह से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली हैं और आप लोगों को निश्चित तौर पर इसका फायदा भी होगा, क्योंकि उन्होंने हर विषय पर आपको सही सलाह दी है और इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। शीघ्र ही अगली मुलाकात भी इनसे। थैंक यू।